ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांकों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर और अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जनाना शौच और मरण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरकों को दूषित समझते हो तो इन दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में बक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब बहुत अधिक खाना खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए मैं, हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसके करने से मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। भीमसेन व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका प्रयत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में न रखना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें और तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्जल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन जल स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का पालन निर्जला एकादशी के सेवन से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संघ चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर मेरा व्रत करें तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वरूप वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस भीषण पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्णतः यत्न के साथ उपवास करें और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान बराबर पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक
पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने वाला फल प्राप्त होता है ऐसा माना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसा एकादशी की किताब में लिखा हुआ है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या शराबी गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भ्रांति भांति मिष्ठानों द्वारा प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गो जल शैया सुंदर आसन कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को प्रयत्नपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। और जो स्त्री निर्जला एकादशी का महात्म्य सभी को सुनाती है उसको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराह रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, संसार सागर से ताड़ने वाले देव देव हसिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह